अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा बुक रिव्यू होगा द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा की दो बहुत अच्छी किताबें और भी हैं। इनका नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, द लीडर हु हैड नो टाइटल। इनका अंदाज तरीके से होता है कि ये उसको स्टोरी के अंदर बता देते हैं और अपनी बात को कह भी देते हैं और एक स्टोरी भी लगती है, तो बड़े ही अच्छे अंदाज के अंदर ये अपनी सारी बुक्स को लेकर चलते हैं। आपको पता है कि मैं जो भी रिव्यू करता हूँ वो तीन बेसिस के ऊपर करता हूँ। एक व्हाट, हाउ और वाई। व्हाट के क्या चीज़ है ये, हाउ किस तरीके से होगी और वाई हम क्यों करते हैं। वाई हम आखिरी में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे व्हाट की। व्हाट का 5 AM क्लब का मकसद ये है कि आप 5 बजे उठें और अपने दिन का आगाज बहुत जल्दी करें। जितना जल्दी आपका दिन का आगाज होगा आपके पास टाइम होगा, उस टाइम को आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे वो आप हाउ के अंदर डिस्कस करते हैं। हाउ के अंदर वो ये बताते हैं कि आपने एक तो अलार्म लगा दिया, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एक जिम्मेदारी है, आपने ये चीज़ करनी है कि आपने उठना है, अपने लिए उठना है। क्यों? क्योंकि 95% वो लोग होते हैं जो कि सो रहे होंगे इस टाइम के अंदर, और 5% वो लोग होंगे जो उठे हुए होंगे और उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया होगा। वो अपने जर्नल के ऊपर काम कर रहे होंगे, वो अपने काम का देख रहे होंगे, अलाइन कर रहे होंगे कि किस तरीके से हमने आज का दिन गुजारना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हों। तो वो ये कहते हैं कि आपके पास एक जर्नल होना चाहिए कि आपको पता हो कि क्या क्या काम करना है, कौन कौन से काम हो चुके हैं, किसकी डेडलाइन कब होगी। और लाइकवाइज वो ये कहते हैं कि आप अगर कोई अलार्म क्लॉक लगाना चाह रहे हैं या कोई और ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो नथिंग लाइक इट। इसी तरीके से हाउ के अंदर वही कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम वक्त पर रात को सोएं। और अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी कोई एडिशन की बात करें तो यह है कि हम अपने डिवाइसेज या सब मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जिनके अंदर से ब्लू लाइट निकलती है, हम उसको रात को 6-7 बजे तक इस्तेमाल कर लें, उसके बाद इस्तेमाल ना करें। क्योंकि ये ऐसी डिस्ट्रैक्शन है कि जब से ही हमारे पास ये रहती है हम उसको यूज़ करते रहते हैं और अल्टीमेटली हमें अंदाज़ा नहीं होता वक्त कितना गुजर चुका होता है। हम जैसे ही नमाज़ पढ़ें हम इसको बंद कर दें और कोई भी इम्पोर्टेंट कॉल हो तो वो हमें मैसेज कर सकता है या फिर वो हमें अलग से कॉल कर सकता है। कॉल करने के लिए इमरजेंसी नंबर हो तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर या ऐसा फ़ोन आप सस्ता सा ले लें और वो अपने पास रख लें और जब कोई बंदा आपको फ़ोन करे तो उस नंबर पे करे, लेकिन वो ख़ास डेडिकेटेड लोगों के पास ही हो, अगर आप समझते हैं कि आपको खुदा ना करे ऐसी कोई इमरजेंसी कॉल आ सकती है। तो ये एक कुछ मेरी टिप्स थी, ये कुछ और बाकी सब उनकी हैं। अब सवाल आता है वाई। वाई का मतलब ये है कि अगर मैं आपको इनके 4 सेट्स की बात बताऊं जिस पे ये कहते हैं कि इंसान को काम करना चाहिए तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो ये कहते हैं कि एक माइंड सेट है, एक हेल्थ सेट, हार्ट सेट और सोल सेट। माइंड सेट ये होता है कि बंदा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करे, कोई ऐसी चीज़ जिससे उसका माइंड खुले, कोई बुक पढ़ ली, कोई रिव्यू पढ़ ली, कोई टेड की वीडियोज़ देख ली या ऐसे कोई और काम कर ली जिससे उसका जहन खुले। हेल्थ सेट ये होता है कि आप अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर लगाएं जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो, वॉक हो गई, एक्सरसाइज हो गई, स्विमिंग हो गई या जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। हार्ट सेट वो चीज़ होती है जिसके अंदर आपके इमोशंस होते हैं, आप अपने इमोशंस को किस तरीके से इलेबरेट करते हैं वो हार्ट सेट में आता है। सोल सेट ये होता है कि आप अल्लाह ताला से इतने करीब हो जाएं कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए। आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे तज़किया नफ्स हो गई, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया, कुरान मजीद की तिलावत हो गई, नमाज हो गई या और जिक्र अस्कार हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो इसको आप 20-20-20 यानी कि 1 घंटे को फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि 20 मिनट्स आप अपनी मूवमेंट के लिए रखें, कि कोई भी एक्सरसाइज आप करें जिसमें आप अच्छा खासा स्वेट करें, 20 मिनट्स आप रिफ्लेक्शन के लिए रखें कि क्या आपने किया ज़िंदगी के अंदर, क्या आप करना चाहते हैं ज़िंदगी का, आपका मकसद क्या है, और इस तरीके से आप उसके ऊपर अपना वर्कआउट करें, और 20 मिनट्स आप अपनी ग्रोथ के लिए रखें, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको आगे बढ़ा सके। याद रखिएगा जो भी बंदा, जैसे कि मेलकम ग्लैडवेल कहते हैं कि अगर आपने किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ या टैलेंट आप सीखना चाहते हैं उसको अगर आप 10,000 घंटे 10,000 आवर्स दे देंगे तो उम्मीद यह है कि आप उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेंगे, और इसकी एग्जांपल्स उनके पास बहुत सारी हैं। तो ये है जी 5 AM क्लब। हमें एज मुस्लिम्स और एज पाकिस्तानी बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि जितनी जल्दी हमारा दिन स्टार्ट होगा ये इस्लाम से भी करीब है, सुन्नत से भी करीब है, और उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, लेकिन
हमारी अपनी डेवलपमेंट, आज आप पाकिस्तान को देख लीजिए कि क्या उसके हालात हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर चीज़ को लेट स्टार्ट करते हैं और लेट तक लेके जाते हैं। अल्लाह ताला ने वक्त की बरकत सबसे ज़्यादा सुबह के वक्त में रखी है, तो हमें चाहिए कि हम भी इसके ऊपर कोशिश करें। इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। ये रिव्यू एक बहुत ही छोटा सा एक एफर्ट है ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता बुक रीडिंग करना शुरू करें, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना शुरू करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको आगे शेयर कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।